Hello everybody, welcome to our YouTube channel My Gurukul, myself Shruti V. Pandey. ये है हमारी जनरल साइंस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो. अगर आपने अब तक बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जनरल साइंस की वीडियोस में क्लिक करके आप बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं. और ये सारी वीडियोस एक समराइज नोट्स के फॉर्म में है, हैंड रिटन फॉर्म में है, जो आपके हर एग्जामिनेशन में, जैसे सीटेट का आपने अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर जनरल साइंस पूछे जाते हैं, तो ये जनरल साइंस के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है आपके लिए. क्योंकि इसमें आप जो सारे टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में पढ़ना पड़ता है, और तो और उसमें से जो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स को कलेक्ट करके ये नोट्स, समराइज नोट्स बनाया गया आपके लिए. और बहुत ही ईजी, बहुत ही छोटे फॉर्म में है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. तो अगर आपने अब तक पिछली वाले वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, तो जाके एक बार प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए. और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अल्कोहल. अल्कोहल के बारे में जान लेते हैं. जो जितने पॉइंट्स हमने उतने ही पॉइंट्स कवर किए हैं जितने एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं रखा है. हम यहाँ पर लेसन को एक्सप्लेन भी नहीं करने वाले हैं. हम सिर्फ वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. तो ठीक है, हम अल्कोहल को शुरू करते हैं. अल्कोहल जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है, जिस जो स्टार्च युक्त पदार्थ होते हैं, जिसमें स्टार्च की मात्रा होती है, ऐसे पदार्थों से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है. फॉर्मेशन उसी से होता है इसका. इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा जो होता है, मोस्टली जिसके यूज़ होते हैं, जो पढ़ा जाता है, वो है एक मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल. तो ये क्या है, तो इसका फार्मूला जान लेते हैं. CH3OH ये होता है मेथिल अल्कोहल. एथिल अल्कोहल C2H5OH एथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं. तो ये कहाँ पाया जाता है? तो इसे हम अगर बात करें तो ये एथाइल अल्कोहल जो होता है मादक द्रव्य में, जैसा कि शराब और कुछ कोई भी ऐसी नशीली चीज़ें होती है जो पीते हैं, उसमें जो है एथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा ये मेडिसिन में भी यूज़ की जाती है. बट मिथाइल अल्कोहल एक विषैला पदार्थ है जो कि विष के तौर पर होता है. तो कभी कभी आपने सुना होगा कि शराब पीने से मौत हो गई, तो कभी कभी शराब में क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल की में मिथाइल अल्कोहल को भी मिक्स कर देते हैं. तो उस मिक्स करने की वजह से वो विषैला हो जाता है, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है. कभी कभी इससे मौत भी हो जाती है लोगों की. अब अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस किस का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, किन किन टाइप के स्टार्च वाली चीज़ों से किस किस टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. तो बियर और विस्की जो होता है, बियर और विस्की का फॉर्मेशन होता है जौ से. मतलब जौ में जो प्रेजेंट स्टार्च है उसको फर्मेंटेशन करा करके बियर और विस्की का निर्माण किया जाता है. इसके अलावा जो वाइन, शैम्पेन और ब्रांडी होता है, आपने नाम सुना होगा ये सारे नाम. नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए. वाइन, शैम्पेन और ब्रांडी, इसका निर्माण होता है अंगूर से. ग्रेप्स जो होते हैं उनको फर्मेंटेशन करा के वाइन, शैम्पेन और ब्रांडी बनाई जाती है. इसके अलावा रम आपने सुना होगा. रम जो होता है, रम का फॉर्मेशन होता है शीरा. उस शीरा को फर्मेंटेशन करा करके रम का निर्माण होता है. इसके अलावा अगर आपने नाम सुना है तो अर्जन जो होता है उसका मक्का से होता है. मक्का मेज को फर्मेंटेशन करा के उसके स्टार्च का यूज़ किया जाता है इसका बनाने में. इसके अलावा साइडर का जो होता है, साइडर का इस्तेमाल होता है सेब से, एप्पल से. तो एप्पल से इसका फॉर्मेशन किया जाता है. नेक्स्ट है पावर अल्कोहल. पावर अल्कोहल क्या होता है? तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल, जहाँ पर 95% होता है और प्लस उसमें बेंजीन या फिर ईथर मिला दिया जाता है 5%. तो ये बनाकर उसे ये जो मिश्रण होता है इसको हम बोलते हैं पावर अल्कोहल, जिसमें कि 95% इथाइल अल्कोहल है और 5% बेंजीन या फिर ईथर है. तो इसका मिक्सचर को हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल. अब पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल का भी यूज़ क्या होता है? तो हवाई जहाज़ों में प्रयुक्त ईंधन के फॉर्म में भी पावर अल्कोहल का यूज़ होता है. नेक्स्ट है डिस्टिल स्प्रिट. स्प्रिट आपने देखा होगा, किसी चीज़ को ड्राई करने के लिए, क्लीन करने के लिए वहाँ पे स्प्रिट का इस्तेमाल किया जाता है.
यूजुअली मोबाइल्स को या स्पेक्ट्स को क्लिक चश्मे को साफ़ करने के लिए। तो ये डिस्टिल स्प्लिट स्प्लिट बनाया कैसे जाता है, तो इथाइल अल्कोहल 95% और 5% वाटर को मिक्स करके डिस्टिल स्प्लिट बनाया जाता है। अल्कोहल में जल की मात्रा पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उस पर निर्जलन कॉफर सल्फेट CuSO4 मिलाया जाता है। यदि पानी मिला होगा तो नीला हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो अल्कोहल प्योर है मतलब कॉन्सेंट्रेट है या फिर डाइल्यूट है, ये पता करने के लिए आप उस पर कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालेंगे। तो यदि वो ब्लू कलर का हो जाएगा तो मतलब इसमें उसमें वाटर है, प्रेजेंट है, वो डाइल्यूट है। और अगर नहीं ब्लू होता है मतलब वो कॉन्सेंट्रेट है। तो ये है तरीका पहचानने का अल्कोहल में जल की मात्रा को, कि अल्कोहल में कितना जल प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक अल्कोहल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि भविष्य में ऐसे आने वाले इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के नोट्स को आप मिस ना करें। और ये जनरल साइंस की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है, तो आप ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में इस टाइप के काम की चीज़ों को आप सबसे पहले देख पाएँ चैनल को सब्सक्राइब करने से, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे अपलोड्स के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। एट लास्ट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।